चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीसी का स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड एमबीबीएस के लिए, जिसका हम वेट कर रहे थे कि एमसीसी द्वारा ये भी शेड्यूल जारी किया जा सकता है एमबीबीएस के लिए, लेकिन अभी इसके कंडक्ट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हालांकि एमसीसी के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एमबीबीएस के लिए सीटें तो वैकेंट रही है, लेकिन इसके लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट अभी होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एमसीसी ने अभी बीडीएस के लिए राउंड 4 और बीडीएस बीएससी नर्सिंग के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। तो एक बार ये बीडीएस के लिए जब शेड्यूल जारी हो जाता है तो एमबीबीएस की स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। अभी स्टेट्स में भी सीटें खाली हैं, जैसे कर्नाटक में 143 एमबीबीएस की सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अभी भी वैकेंट है। तो अभी एमसीसी का स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एमसीसी ने बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए राउंड 4 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एमसीसी का स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी एमबीबीएस के स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद बीडीएस का राउंड 4 किया जाता है और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड बीडीएस और बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए होता है, तो उसका शेड्यूल जारी हो चुका है। आप इसके एमसीसी की वेबसाइट mcc.nic.in पर इसका बीडीएस शेड्यूल सेकंड मोपअप यूजी 23 इसका आप शेड्यूल देख सकते हैं, यानी 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक इसके रजिस्ट्रेशन है। च्वाइस फिलिंग की सेम डेट को है और 19 को रिजल्ट आ जाएगा, 20 से 24 तक इसकी रिपोर्टिंग है। इसके बाद में जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए, चॉइस फिलिंग की डेट 25 और 26 है, इसमें दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। जो राउंड 4 में रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसी के बेस पर सीट अलॉट होगी, लेकिन चॉइस फिलिंग दोबारा से होगी और रिजल्ट डेट है 28 और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 31 अक्टूबर 2023 रहेगी। तो ये शेड्यूल बीडीएस के लिए भी आ चुका है और इससे ये पूरा प्रतीत हो चुका है कि अभी एमबीबीएस के लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची है। इसका एक बात से मैं और आपको प्रूफ कर देता हूं, एनएमसी ने सभी मेडिकल कॉलेजेस से जिन कैंडिडेट का एमबीबीएस में एडमिशन हो चुका है उसकी लिस्ट भी मंगवा ली है और ये लिस्ट 20 अक्टूबर 2023 रात 12 बजे तक कॉलेज को भेजनी है एनएमसी को, और उसके बाद जो भी लिस्ट भेजी जाएगी उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये एनएमसी ने एक पब्लिक नोटिस के जरिए सभी मेडिकल कॉलेजेस को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि वो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जितने भी कैंडिडेट इस साल एडमिशन हुए हैं, जिन कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है वो 20 अक्टूबर 2023 रात 12 बजे तक वो रिपोर्ट सबमिट कर दे एनएमसी को। तो इससे बिल्कुल ये जाहिर हो चुका है, क्योंकि आज 14 अक्टूबर हो चुका है और इसमें अभी इसके बीच में स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी कंडक्ट करवाने की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। कर्नाटक स्टेट में भी 143 सीट्स वैकेंट है, लेकिन उनको भी परमिशन मिलने की कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही है, नहीं बन रही है कि वो उनको के द्वारा कंडक्ट स्पेशल स्ट्रे राउंड कंडक्ट करवाया जाए और उन सीटों को फिल करवाया जाए, तो उनमें भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। तो एमबीबीएस के एडमिशन की जो लास्ट डेट थी 30 सितंबर 23 वो कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद में कोई एडमिशन नहीं हो रहा है। हालांकि अभी मोपअप राउंड के लिए बिहार स्टेट ने शेड्यूल जारी किया था, सॉरी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए बिहार स्टेट की काउंसलिंग पहले ही लेट हो रही थी, तो इसका 18 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग की डेट है। एमबीबीएस भी उसमें शामिल है, क्योंकि एमबीबीएस की भी काफी सारी सीटें गवर्नमेंट और प्राइवेट में वैकेंट है, तो बिहार स्टेट का जरूर शेड्यूल आया है अभी, और इसका रिजल्ट डेट तो अभी आया नहीं है बिहार का, लेकिन चॉइस फिलिंग की डेट आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन उसका ओवर हो चुका है, 13 अक्टूबर तक इसके रजिस्ट्रेशन थे बिहार स्टेट के। तो बिहार स्टेट के एडमिशन जरूर हो रहे हैं, बाकी किसी भी स्टेट में कोई एडमिशन होने की एमबीबीएस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बच रही है, जो वैकेंट सीट बची हुई है। और एमसीसी का भी कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है कि अभी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगा, क्योंकि एक बार बीडीएस का शेड्यूल जारी होने के बाद ऐसी कोई पॉसिबिलिटी कभी रहती नहीं है कि ये स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया जाए। तो ये जानकारी थी बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के स्पेशल वैकेंसी राउंड की और राउंड 4 की। तो जैसे ही कोई इसके बारे में और इंफॉर्मेशन मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।